हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अपनी रसोई। आज हम बनाने वाले हैं मुंबई का फेमस वड़ा पाव। बहुत ही फेमस रेसिपी है और इसके साथ जो बनती है सूखी लाल वाली चटनी, उसकी तो बात ही मत पूछिए। ये तीखी वाली चटनी को आप डोसा के साथ भी खा सकते हैं, सैंडविच के साथ भी खा सकते हैं, और ये चटनी मैंने बहुत ही खास तरीके से बनाया है, तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। तो 3 उबले और मैश किए हुए आलू लिए हैं हमने। आलू को फ्राई करना है तो एक पैन में 2 छोटी चम्मच हमने सरसों का तेल डाला है। आप कोई भी कुकिंग ऑयल डाल सकते हैं। तेल गरम हो जाए तो उसमें हम डालेंगे सरसों दाना और साथ ही डालेंगे बारीक कटी हुई थोड़ी सी लहसुन और थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्च। तो इन्हें भून लेंगे। सरसों दाना थोड़ा सा चटक के फेस पे भी पड़ जाता है तो इसलिए हम थोड़ी देर ढक देंगे। ये देखिए सारी चीज़ें भून गई हैं। तो अब इसमें डालेंगे 1 बारीक कटा हुआ प्याज और इसे थोड़ी देर भून लेंगे। प्याज को ज़्यादा लाल नहीं करेंगे, बस हल्का सा कलर चेंज हो जाए उतना ही भूनेंगे। और जब ये प्याज हल्का सा भून जाएगा तब हम इसमें डाल देंगे आलू और आलू को साथ में थोड़ी देर भून लेंगे। तो इस आलू में हमें बहुत ज़्यादा मसाला नहीं डालना है, बिल्कुल हल्का सा मसाला डाल के इन्हें फ्राई करना है। तो इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और थोड़ी सी हल्दी पाउडर, थोड़ी सी मिर्ची पाउडर, ज़्यादा मसाला नहीं डालना है। और हरी मिर्च भी हमने डाली है तो इसलिए मिर्ची पाउडर बहुत थोड़ा डाला है। आप चाहे तो थोड़ा ज़्यादा डाल सकते हैं मिर्ची पाउडर। बारीक कटी हुई धनिया पत्ती। बस 2-3 मिनट के लिए हम इस आलू मसाला को भून लेंगे और इससे बहुत ही अच्छा वड़ा बनेगा। तो ये देखिए आलू अच्छे से फ्राई हो गए हैं। तो अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे और अच्छे से ठंडा कर लेंगे। और इस तरीके से जो आलू मसाला बनाया हुआ होता है उसे आप बहुत सारी चीज़ों में यूज कर सकते हैं। बहुत अच्छा सा सैंडविच भी बना सकते हैं इसका। तो अब हम क्या करेंगे कि एक कटोरा में बेसन लेंगे। तो 4 चम्मच हमने यहाँ पर बेसन लिया है और इसे हमें घोल बनाना है, पकौड़े के घोल जैसा बनाना है। तो स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। तो 1 चम्मच हमने इसमें नमक डाला है, साथ ही आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और आधी छोटी चम्मच मिर्ची पाउडर, और बस इसमें कुछ नहीं डालेंगे और एक घोल बना लेंगे जैसे हम किसी भी पकौड़े के लिए घोल बनाते हैं। बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं और एकदम से बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे हम बस फेंटते हुए इसका घोल बना लेंगे। और तब तक आलू जो है वो थोड़ा सा ठंडा हो रहा है, साथ ही हमने ऑयल भी चढ़ा रखा है गर्म होने के लिए। तो ये जो चटनी मैं बना रही हूँ ना, इसकी एक खास बात ये है कि इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ भी सामान की ज़रूरत नहीं है। मतलब बहुत ही कम सामान में, बहुत ही कम मेहनत में मैं आज आपको ये पाव और चटनी बता रही हूँ, मतलब वड़ा और वड़ा पाव और चटनी बता रही हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे ये जो आलू है ठंडा हो गया है। तो अब हम इसका ऐसे बॉल जैसा बना लेंगे, गोल गोल। आप चाहें तो थोड़ा सा इसे चपटा भी करके भी बना सकते हैं। तो इतने आलू का हमने 6 वड़ा बनाया है। तो ऐसे तो वड़ा पाव का जो चटनी होता है वो बहुत तरीके से बनाया जाता है, पर मैं बहुत ही यूनिक तरीके से आपको इस चटनी की रेसिपी दे रही हूँ। तो ये देखिए इतने बड़े साइज का हमें बना लेना है। तो यहाँ पे 6 वड़ा हमने बना लिया है और इसे हम बेसन के घोल में डिप करके फ्राई करेंगे, जैसे कि हम लोग बनाते हैं ना आलू बोंडा या फिर आलू चॉप, उसी तरीके से। बस थोड़ा बहुत मसालों का फेर होता है। तो मीडियम फ्लेम पे हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। थोड़ी देर में ही ये आलू जो हैं अच्छे से फ्राई हो जाएंगे, क्रिस्पी हो जाएंगे, क्योंकि आलू जो हैं पहले से फ्राई किए हुए हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इन्हें फ्राई करने में। तो जब ये फ्राई हो जाएंगे उसके बाद हम इसकी चटनी बनाएंगे, बहुत ही स्पेशल वाली, तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा। तो ये आलू अच्छे से लाल हो गए हैं तो इन्हें हम निकाल लेते हैं और बाकी बचे हुए जो 3 वड़ा हैं उन्हें भी हम फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए फ्राई करने के बाद वो अपने साइज़ में थोड़े और ज़्यादा डबल हो जाते हैं बेसन में जब डीप करके हम फ्राई करते हैं। तो इन्हें भी हम फ्राई कर लेंगे। और जितना बेसन का घोल हमने बनाया था उसमें से आधा बेसन का घोल अभी बचा हुआ है। हमने जानबूझ के ही बेसन ज़्यादा लिया था क्योंकि उसी बेसन के घोल से हमें चटनी बनानी है, बहुत ही यूनिक वाली चटनी। तो देखिए बेसन के घोल को इस तरीके से हाथों से ऐसे हमें छिड़कते हुए तेल में डालना है, जैसे कि बूंदी बना रहे हो, पर वो मतलब झंझरे से नहीं, हाथों से ही ऐसे डाल दीजिए। वैसे आप चाहें तो झंझरा से भी आप बना सकते हैं जैसे हम बूंदी बनाते हैं उस तरीके से। और इस बात की टेंशन ना लें कि गोल गोल नहीं बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे गोल बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप कैसे भी करके आप इसमें बेसन इस तरीके से छिड़कते जाएं और बस
ये बेसन जो है वो अच्छे से फ्राई हो जाना चाहिए, क्रिस्पी हो जाना चाहिए, गोल बन रहा है कि नहीं उस पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फ्राई करने के बाद हम इसे मिक्सी जार में पीसने वाले हैं। तो किसी भी शेप का हो उससे कोई मतलब नहीं है, बस हाँ बहुत ज़्यादा एक ही बार में बेसन ना डाल दें, क्योंकि वो फिर अच्छे से फ्राई नहीं होगा, तो फिर चटनी जो है वो आप मतलब लंबे टाइम तक भी नहीं रख पाएंगे। तो इस चटनी को जैसे आप थोड़ा स्टोर करके भी रख सकते हैं, तो ज़्यादा मात्रा में बना करके, तो इसलिए इसे अच्छे से क्रिस्पी होने तक हमें फ्राई करना है। तो ये बहुत ही यूनिक वाली चटनी की रेसिपी है, तो आप पूरा देखिए और ज़रूर बनाइए, आपको ज़रूर पसंद आएगी। वैसे तो बहुत सारी अलग अलग तरह की चटनी भी बनाई जाती है, तीखी लाल सूखी वाली चटनी। तो ये देखिए इसी तरीके से हमने बेसन को ऐसे डाल के बना लिया है। और एक बार आप इस चटनी की रेसिपी को सीख जाएंगे तो सिर्फ वड़ा पाव के साथ ही नहीं, आप इस चटनी को ऐसे भी सैंडविच के साथ, डोसा के साथ, इडली के साथ खा सकते हैं, और जब चाहें तो ज़्यादा मात्रा में बना के इसे स्टोर भी कर सकते हैं। तो ये देखिए ये बेसन जो है थोड़ा फ्राई हो गया है, पर अभी इसे लाल करना है, थोड़ा और क्रिस्पी करना है, तो उलट पलट के हम इसे थोड़ा तेज आँच पे ही आप इसे कुरकुरा होने तक थोड़ा फ्राई कर लें। तो यहाँ पे देखिए ये लाल हो गया है, तो अब बस अब इसे निकाल लेंगे और इसे थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे, बस तुरंत से ही ये ठंडा हो जाएगा। तो ठंडा होने के बाद इसे इस तरीके से हाथों से तोड़ लेंगे और उसके बाद इसे डालेंगे मिक्सी जार में और एक बहुत ही अच्छी वाली चटनी बनाएंगे। तो देखिए चटनी के लिए भी आपको ज़्यादा सामान की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं है कि आपको मूंगफली चाहिए, नारियल चाहिए, वैसे मूंगफली और नारियल वाली भी चटनी बनती है वड़ा पाव के लिए, पर बेसन से ही ये चटनी बन जाएगी बहुत ही चटपटी सी। तो थोड़ा सा हमने नमक डाल दिया, 1 चम्मच तीखी वाली मिर्ची पाउडर डालेंगे और 1 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे, जिससे कलर बहुत अच्छा आएगा, वो तीखा कम होता है। साथ ही 8-10 लहसुन की कलियाँ, आप लहसुन थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो बस इसे पीस लेना है, पानी नहीं डालना, एकदम सूखा सूखा ही बनाएंगे हम इसे। तो ये सूखी वाली तीखी लाल चटनी बनके तैयार है वड़ा पाव के लिए। साथ ही हमने यहाँ पे थोड़ी सी मिर्ची भी फ्राई कर ली थी वड़ा पाव के साथ, ये फ्राई किया हुआ मिर्ची भी देते हैं, वो खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो मिर्ची में बस बीच से चीरा लगा दिया था, थोड़ा सा नमक डाल दिया और थोड़ा सा नींबू का जूस, बस इन मिर्ची जो है फ्राई हो गई। तो चलिए अब वड़ा पाव को हम सर्व करते हैं। तो वड़ा पाव सर्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस पाव को हम कट करेंगे, और पूरा कट नहीं करेंगे, एक तरफ से वो लगा होना चाहिए। तो आप चाहें तो पाव को मतलब बटर में या घी में सेक के भी आप खा सकते हैं, या फिर ऐसे भी ऐसे ही देते हैं ट्रेडिशनल तरीके से। तो अब हम इसके ऊपर डालेंगे सूखी वाली चटनी, उसके ऊपर ये जाएगा वड़ा, और ऊपर से फिर से जाएगी वो तीखी वाली चटनी। तो जितना आपको तीखा पसंद हो उसके अनुसार आप इसमें तीखी चटनी डाल सकते हैं। तो मुझे तो बहुत ही तीखा पसंद है, तो मैं थोड़ा ज़्यादा ही चटनी पाउडर डाल के खाती हूँ। तो बस अब इसमें डाल देंगे वो हरी वाली मिर्ची। तो ये देखिए वड़ा पाव तैयार है खाने के लिए। आप चाहें तो अपनी पसंद से कोई और चटनी लगा सकते हैं, ग्रीन चटनी या फिर कोई और चटनी भी बना के इसे बना सकते हैं। तो ये यूनिक सी वड़ा पाव और उसकी चटनी की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। साथ ही मेरे चैनल पे नए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो मैं आपसे फिर मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।